हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड सी चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो है ब्लॉसम जेल के बारे में। उसको आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। गाइस, ये है मेरे पास नेल टिप स्टैंड और ये है हमारे पास डबल टिप। और डबल टिप के साथ हम एक साइड में इस तरीके से टेप अप्लाई करके इसके ऊपर जो है हम टिप चिपका देंगे। और ये जो नेल स्टैंड है, इसको मैंने बाय किया था अमेज़ॉन से, काफ़ी टाइम पहले बाय किया था। अगर आप कहेंगे तो उसका लिंक जो है मैं इसमें शेयर कर दूँगी। सो टिप अप्लाई करने के बाद जो है हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हमारी वाइट कलर की जेल पॉलिश। बिल्कुल पतला पतला कोट अप्लाई करेंगे। सिंगल कोटिंग में ही हमारा जो वाइट कलर है 100% कवरेज देता है, तो हमें सेकेंड कोट अप्लाई करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इस तरीके से बिल्कुल सभी पूरे नेल पर जो है इक्वल अप्लाई करके जेल पॉलिश को वाइट कलर की इसे हम क्योर करवा देंगे। और इसे ही क्योर कराने के बाद जो है हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉसम जेल, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है काफ़ी डिज़ाइनिंग जो है काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, काफ़ी इजीली वर्क हो जाएगा हमारा इससे। सो बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो कि वन टाइम में क्लियर नहीं आते हैं आपको और उनकी जो स्मजिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो उसके लिए जो है आप इस तरीके से ब्लॉसम जेल अप्लाई कर सकते हैं। और ब्लॉसम जेल को अप्लाई करने के बाद इसे बिना क्योर कराए जो है हम करेंगे इसमें डिज़ाइनिंग क्रिएट। सो मैंने थोड़ा सा जो है वाइन कलर ले लिया है सेम जेल पॉलिश का, जो कि मैंने वाइट जैसे ली थी उसी के ही मैंने वाइन कलर की जेल पॉलिश ले ली है। और ब्लॉसम जेल को बिना क्योर कराए अब जो है मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग क्रिएट करूँगी। और इस डिज़ाइनिंग को क्रिएट करने के लिए जो ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ गाइज, अगर आपको ये ब्रश बाय करने होंगे तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है, अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है नेल एक्सटेंशन, परमानेंट माइक्रोब्लेडिंग आईब्रोज, परमानेंट लिप कलर, परमानेंट हेयर एक्सटेंशन और साथ साथ परमानेंट आईलैश एक्सटेंशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो इस तरीके से हम जो है इस जेल पॉलिश के ऊपर मैंने फ्लावर क्रिएट कर दिया है। और पैरेलल लाइनिंग में ना करके हम लोग इसके स्लैंटिंग लाइनिंग पर जो है एक और फ्लावर क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इस पर कुछ ग्रीन कलर के साथ लीव्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रोज़ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है और ग्रीन लीव्स भी हमने क्रिएट कर दिया। और इसे क्योर करवाने के बाद जो है अब हम यूज़ करेंगे एक्रेलिक पेंट्स, फैब्रिक कलर्स फेविक्रिल के। और इसमें जो है हम कुछ ब्रश और बारीक ब्रश से जो है इसकी थोड़ी सी आउटलाइनिंग करेंगे ताकि वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनकर आए।
हमारे ब्रश आर्ट के ड्राई होने के बाद जो है हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मैट यूवी टॉप कोट इस तरीके से पूरे नेल के ऊपर, ताकि जैसे कि मेरे को मैट नेल चाहिए तो इसे क्योर कराने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट मैट हो जाएगा। कि क्योर होने के बाद ये प्रॉपरली मैट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आ रही है इसमें। और अब बारी है हमारे सेकंड डिज़ाइन की। सो सेकंड डिज़ाइन हम करेंगे मार्बल इफेक्ट वर्क विद ब्लॉसम जेल। तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है ब्लॉसम जेल लगा के रख ली है गाइस, और ब्लॉसम जेल लगाने के बाद जो है सेम वाइन कलर से इस तरीके से स्ट्रोक्स देंगे, बट इसमें हम और चीज़ें भी ऐड ऑन करेंगे जैसे कि लाइक ग्लिटर्स एंड ब्रश आर्ट। सो कीप वॉचिंग गाइस। और ये स्प्रेड होने के पहले ही हम इसमें जो है ग्लिटर की लाइंस ऐड ऑन करना चाहें अगर तो हम ऐड कर देंगे इसके साथ साथ ही, लेकिन अगर बाद में भी ऐड करना चाहें तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए दी ताकि ये हमारे पेंट के साथ साथ ही स्मज हो जाए और जो हमारा मार्बल इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल कर आए। सो इस तरीके से मार्बल इफेक्ट देकर ग्लिटर का भी और कलर का भी हम इसे जो है क्योर करवा देंगे। सो इसे क्योर कराने के बाद आइए देखते हैं, अब बारी है इसमें ब्रश आर्ट ऐड ऑन करने की। सो हम ब्लैक कलर की वेव्स के साथ जो है कुछ ब्रश आर्ट का लुक देंगे ताकि वो प्रॉपर मार्बल इफेक्ट आ जाए, और इसमें हमारा कलर का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, ग्लिटर का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। और इसे जो है हम करेंगे अब यूवी टोकोट अप्लाई ब्रश आर्ट के ड्राई होने के बाद, और इसके बाद जो हम इसे क्योर करा देंगे। सो क्योर होने के बाद इसे हमें हाई ग्लॉस यूवी टोकर लगाया था तो ये ग्लॉसी इफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा है। और अब बारी है हमारे थर्ड डिज़ाइन की। सो अगेन हमने ब्लॉसम जेल अप्लाई करके रख दी है हमारे नेल के ऊपर, वाइट नेल पेंट ऑलरेडी लगा ही लिया था, और अब हम यूज़ करेंगे सेम पैटर्न को लेकिन विद पोल्का डॉटिंग टूल। सो ये पोल्का डॉटिंग टूल तो एवरी नेल आर्टिस्ट के पास होता ही होता है, अगर नहीं होता है तो आप मैच बॉक्स की तीली के साथ भी वर्क कर सकते हैं, माचिस की तीली के साथ जिसका सरफेस राउंड हो एक साइड से। और देखिए ये जो राउंडेड मैंने स्प्रेड किए हैं ये पोल्का डॉटिंग टूल के साथ जो डॉट्स हैं आप देख सकते हो अपने आप ही स्प्रेड हो रही हैं, इसे मुझे कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो उसकी जो एक शार्प लाइनिंग होती है, ब्लॉसम जेल हमारी जो है हेल्प करती है शार्प लाइनिंग को ख़त्म करने में। और इसके बाद जो है हम इसमें अगर चाहें ब्रश आर्ट ऐड ऑन करना तो ब्रश आर्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, बट ब्रश आर्ट ऐड ऑन ना करके हम इसमें कुछ डिफरेंट करेंगे, हम इसमें करेंगे ग्लिटर विद राइनस्टोन्स का वर्क और वो भी मैट फिनिशिंग में। हमारे ब्लॉसम जेल की डॉट्स को अच्छे से स्प्रेड होने के बाद और क्योर होने के बाद अब हम इसका करेंगे सेंट्रलाइजेशन। तो सेंटर में हम जो है इसके ग्लिटर वाली जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और साथ साथ ही जो है हम इस पे राइनस्टोन अप्लाई कर देंगे और इसे जो है क्योर करा देंगे। हमारे राइनस्टोन भी साथ साथ ही क्योर हो चुके हैं, और अब बारी है हमारे इसे सील करने की। सो इसे जो है जैसे कि हमें मैट यूवी टॉप कोट के साथ सील करना है, तो क्योंकि हमें मैट रिफ्लेक्शन चाहिए तो इसके राइनस्टोन के ऊपर बिना लगाए हम साइड साइड से प्रॉपरली कवर अप करेंगे और मैट यूवी टॉप कोट को अप्लाई करके इसे क्योर करवा देंगे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज। ओके गाइज, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय, हैव अ नाइस डे।